दोस्तों ये जो आप काले काले दाने देख रहे हैं, ये जो है ना एक काला हीरा है। ये सर्दियों का संजीवनी बूटी है, जाड़ों में कई कई बीमारियों का दुश्मन है, काल है। हमें बहुत अच्छा इसका यूज होता है, बहुत अच्छे बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो दोस्तों इसको किस तरीके से लगाना है, कैसे मैंने लगाया, इसका नाम क्या है, सारी चीजें आपको डिटेल से मैं बताने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। आज मैं भी हवा में हूँ, क्योंकि जो ये सब्जी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हवा में होती है। ये काला जो हमारा हीरा है ना, ये हवा में होता है। इसको दोस्तों इसका नाम है एयर पोटैटो या हवाई आलू भी इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में पहाड़ी भाषा हम इसको गेठी बोला जाता है, इसको गेठी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ आप लोग किस नाम से जानते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किन किन दोस्तों के वहाँ होता है, किन किन ने देखा और कहाँ किस नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये हमारा कंद मूल जो हमारी जड़ी बूटी है ना, हमारी पहाड़ी वो है दोस्तों। ये हमारे पहाड़ों में ही होता है, 30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ये होता है। कमाल का मैंने करा है यहाँ की, जो मैंने 40, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर में इसको उगा दिया है दोस्तों। ये पहाड़ों में होता है, बहुत सारे दोस्त जो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी स्टेट में रहते होंगे, मुझे देखते होंगे, वो जानते होंगे। मार्केट में यह आता है, ये बहुत महंगा होता है और ये विदेशों में भी ये सब्जी जाती है हमारी, क्योंकि इस सब्जी की तासीर ठंडी गर्म होती है और ये विंटर का ना अमृत है। विंटर में सारे हमारे इधर ना सभी लोग इसको ना बहुत सेवन करते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, सर्दियों में उनकी सब्जी ही यही होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। दूसरा दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल में, शुगर में, बीपी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है इन चीज़ों के लिए। और जो लोग वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे खाने उसमें, हमारे यहाँ तो जब जो मडवा होता है ना, रागी का आटा पहाड़ों में, उसमें भी इसको सुखा करके पीसा जाता है, उसके साथ आटे के साथ जाड़ू में सुखा के आटा बनाया जाता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो दोस्तों ये पहाड़ों में होता है, इसको पहाड़ों में ना अप्रैल मंथ में लगाया जाता है। अप्रैल से लगा के अभी दिवाली के टाइम पे अक्टूबर लास्ट में ना मार्केट में ये आ चुका है। ये 100 रुपये किलो से ऊपर इसका रेट होता है। और मैंने जो लगाया ना अपने यहाँ इसको, मैंने इसको जून में लगाया, मैंने, मेरे पास था, मैंने ट्राई करा, मैंने यहाँ लगाया इसको, तो इसकी बेल हो गई और होते होते मेरे को बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिला। इतने बड़े बड़े मेरे हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे लगे हैं। अब मैं जब बड़े हार्वेस्ट करूँगी तो छोटे हमारे बड़े होंगे, तो ये बहुत अच्छा मेरे यहाँ पर इनकी पैदावार हुई है। तो दोस्तों मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, बहुत आसानी से टूट जाता है। जब ये छोटे छोटे होते हैं ना तो ये हरे हरे कलर के होते हैं, धीरे धीरे इनका कलर ऐसा होने लगता है और इनकी बनावट भी ऐसी होती है दोस्तों। कई जगह तो ये अभी जंगली भी होता है, हाँ एक लोग जंगली भी देखा है मैंने कहीं कहीं। और ये जो है ना, मेरा भी हाथ नहीं पहुँच रहा है ऊपर तक, ये मेरे बेटे को निकालने पड़ेंगे मेरे ऊपर से। देखती हूँ मैं भी, देखिए कैसे खड़ी हो रही, क्यों मुझे दिखाना, मैं स्टूल के ऊपर खड़ी हो रही हूँ दोस्तों। डर लग रहा है, दिवाली का समय है एक तो, और बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कुछ तो मैं हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। ये देखें कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो। तो ये देखें, ये काला हीरा मैंने इतने निकाल लिए हैं, और यहाँ देखें अभी इतने छोटे छोटे वाले रहे हैं, इनकी ग्रोथ भी होगी, ये बड़े भी होंगे धीरे धीरे। अभी काफी है इस मेरे इसमें, यहाँ को देखें आप, ये देखें यहाँ तक मेरी बेल है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से मेरी बेल आती है। ये देखिए बेल की रूट, देखिए इस ग्रो बैग में मैंने लगा रखा था, 18x18 इंच का ये ग्रो बैग है, और इसमें मैंने लगा रखी थी। इतनी सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली है, अब मैंने इसमें टमाटर लगा दिया है। यही मेरी एक बेल है दोस्तों, और इस एक बेल में इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, ये देखिए। अब तो मैं इसको हर साल ग्रो करूंगी। तो दोस्तों इसको अप्रैल से आप जून तक के मंथ में इन्हें लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं मिले, मार्केट में मिले, तो इसको आप अभी रख सकते हैं। इसमें अंदर रखोगे, इसमें जिस तरीके से आलू में आंख निकल जाती है ना, उस तरीके से आंख निकल जाती है, तो उसके बाद जिस तरीके से आलू हम लगाते हैं उसी तरीके से इसको लगाना होता है। और ये बहुत अच्छी तरीके से बेल बनती है, बेल नुमा है, और बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो दोस्तों ये तो मैंने इतने हार्वेस्ट कर लिए हैं, और साथ में देखो मेरी लोबियो, देखो यहाँ से ये बेल है एक लोबियो की, और इसमें देखिए यहाँ तक आप आएंगे, यहाँ तक इतनी सारी लोबियो हो रखी हैं, और बहुत सारी लोबियो हुई हैं दोस्तों, काफ़ी मैंने तोड़ दी, कितनी बार वीडियो शेयर करी हैं, शॉर्ट्स में डाले हैं। लोबियो हर समय जाती है, दिसंबर और जनवरी बहुत ठंडे में नहीं होगी, आप लोबियो लगाओगे ना आपको हमेशा, आपको सब्जी की कमी नहीं पड़ेगी, आप सब्जी खाते रहोगे लोबियो की, और पौष्टिक भी बहुत अच्छी होती है। ये बादी नहीं होती, ऐसे बीन्स वगैरह बादी होती है ना, ये नहीं होती है, बहुत हेल्दी हमारी वेजिटेबल्स है।
तो चलिए कुछ सब्जियां और हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ कि मेरी छत में क्या हो रखा है, वो भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरी लौकियां लगी हुई हैं, और ये देखिए यहाँ इतनी बड़ी लौकी ये हो रही है। ये मैंने मानसूनी सीजन में लगाई थी ना, वही लौकियां हैं दोस्तों। लेकिन अब ना बेल जा रही है, बेल खराब हो चुकी है, बेल सूख रही है, इसमें शायद कीड़े ने भी इसको काट दिया है और इसकी लाइफ भी हो गई है। तो ये देखो मैं इसको ना हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो ये लौकियां मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर से। ये देखिए ये दो लौकी तो मैंने आज हार्वेस्ट कर ली है, और ये लौकी मेरी बड़ी हो रखी है। अभी मैं इसको आज हार्वेस्ट नहीं करूंगी ना, एक साथ इतनी सारी सब्जियां हो जाएंगी। और ये गोल वाली लौकी है, ये भी अभी लग रही है, छोटे छोटे फूल लग रहे हैं, उधर भी दिखाती हूँ। ये देखो एक लौकी ये है, यहाँ पर भी एक लौकी है, और ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी लौकियां अभी काफी लग रही है। अभी विंटर का सीजन है ना, अगर ये बेल सही रही ना तो इसमें अभी काफी लौकी लगते रहेंगी, एक दो करके लगते रहेंगी। सबसे अच्छी चीज मैं दिखाती हूँ, आज मैंने पहली बार जो अपनी छत में लगा रखा है, पहली बार लगाया है आज तक, यूट्यूब या टीवी में ही देख रखा था दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये है, और ये क्या है देखिए जड़ में लग रखे हैं, ये है 56 कद्दू। 56 कद्दू का सीड्स मैंने आपकी बेर मंगाया था और ये लगाया, गजब का रिजल्ट। मैं भी हैरान और खुश, बहुत खुशी होती है। इतने लग रहे हैं ना छोटे छोटे, अभी ये बड़ा हो गया, छोटे हो रहे हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा मुझे लगा, इसका मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, ये 56 कद्दू मेरे यहाँ पे लग गया है। आप देखो ये कैरेट है, ये देखिए खीरा कैसा लगा है, छोटा सा ये भी लगा है, ये खीरा बड़ा है, इधर देखें ये भी खीरा लगा है, और इसमें भी ना यहाँ छोटे छोटे खीरे यहाँ और लगे। और इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया है हार्वेस्ट करके खीरे, दोस्तों मेरे खीरे काफी लगे हैं, छोटे छोटे कैरेट में लगे हैं, तो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी हार्वेस्ट करके। ये देखें आज ही मैं ये दो खीरे कट करने वाली हूँ, खीरे जल्दी कर लेने चाहिए, इसमें मैंने देर कर दी, क्योंकि बीज बनने की प्रोसेस शुरू होती ना तो ये छोटे वाले जो होते हैं ना इनकी ग्रोथ नहीं होती एकदम, ये रुक जाते हैं। जब हम छोटे छोटे इनको निकाल लेंगे तो ये और खीरे हमारे बड़े बड़े होंगे। तो दोस्तों ये मेरा ग्रो बैग है, आपके सामने ही हमने भरा था, मेरे बेटे ने इसको भर के दिखाया था, आप लोगों ने काफी वीडियो देखी थी। इसमें मैंने फरवरी मार्च के मंथ से बेलें लगाई थी, कद्दू की बेलें 2-3 बार मैं लगा चुकी थी, इतने कद्दू हार्वेस्ट किए। अब एक बेल की एक शाखा बची है, वो शाखा मैंने क्यों बचाई, क्योंकि इसमें एक कद्दू लग रहा था। ये देखे एक कद्दू और लगा हुआ है, अब ये बड़ा हो जाए, ये हो जाए, अब इसमें अगर कद्दू कोई लगेगा तो मैं इसको रोक दूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको लगाऊंगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें एक बैगन का प्लांट लगा दिया है, इधर जो है ना ब्रोकली के मैंने सीडलिंग करी थी, ये ब्रोकली के प्लांट मैंने इसमें लगा दिए, देखिए ब्रोकली लगा दी है मैंने इसमें, और ये कद्दू की बेल है मेरी अभी। तो ये देखो दोस्तों ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी है, ये जुकनी है, ये पीली वाली जुकनी है, इतनी सारी जुकनियां लगी हैं, एक दो मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। अब ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, और यहाँ भी दिखाऊं मैं पीछे, ये देखें यहाँ भी देखो इतनी सारी जुकनियां मेरी लगी हुई है, ये देखो। तो ये भी मैंने, आप लोग अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में, आप लोग पूछोगे सीड्स कहाँ से लिए, इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो है चैनल पर, आप विजिट कीजिए, जुकनी की वीडियो मैंने डाल रखी है और आप वहाँ देखिएगा। ये देखो मैंने एक जुकनी हार्वेस्ट करी ना, बहुत टेस्टी हो रही है, ऑर्गेनिक जुकनियां है मेरी, ये जैसे लग रहा है खीरा खा रही, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, तो आप वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका धनिया ग्रो हुआ कि नहीं, देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी भी ग्रो हो गया, इसको भी हो गया, एक और बास्केट में हुआ था। और दोस्तों इसको हार्वेस्ट करते समय ना ऐसे कैंची से काटते रहो, 3-4-5 बार आपको एक मिल जाएगा, जब आप काटते रहोगे इसकी नई नई ग्रोथ होते रहेगी। तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ, अगर आपका धनिया ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे चैनल वीडियो मैंने डाली है धनिया ग्रो करने की, प्लीज जाके वीडियो देखिएगा और उसी तरीके से लगाइएगा, मात्र 5 दिन में धनिया ग्रो हो जाएगा, मेरी न्यू ट्रिक है बहुत अच्छी। तो इस तरीके से धनिया को कट करके आप भी हार्वेस्ट करना। तो देखें आज की हार्वेस्टिंग हो गई है, ये एयर पोटैटो गेठी या फिर हवाई आलू, इसकी हार्वेस्टिंग है, इसमें खीरा है, लौकी है और धनिया है। आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर एक कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना चैनल पर। आगे वीडियो देखने के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, पहले बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।